मुझे मालूम है कि तुम मुझसे ज्यादा खुश नहीं हो। आप पागल हो गए हैं? मैं बंदे को लेकर आऊंगा यहीं, घर पर ही। तुम उसके साथ कर सकती हो, इससे मुझे बुरा भी नहीं लगेगा और तुम्हें भी खुशी मिल जाएगी। पक्का? हाँ। दोस्तों, हमारे देश में लोग मूवीज या वेब सीरीज में बोल्ड सीन देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बीच बीच में मूवीज में ऐसा होना लोगों को अधिक पसंद आता है। आज हम आपको उन वेब सीरीज के बारे में बताएंगे जिनमें हॉट सीन को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। तो अगर आपको भी इसी तरह की मूवीज या वेब सीरीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बाबूजी की लाठी पकड़ कर तू चला सीख रही है। भाभी मुझे माफ कर दो प्लीज, अब सच में भाभी ऐसा कभी नहीं होगा। गलती की माफी नहीं, सजा होती है रानी। सट पा सट, हिल सटा सट। नंबर वन, जानबाज हिंदुस्तान के वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक आईपीएस ऑफिसर से, जो कि एक मिस्टीरियस केस को किसी भी तरह से सॉल्व करना चाहती है, यानी कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी को वो किसी भी तरह से फेल करना चाहती है। और लास्ट तक ये आईपीएस ऑफिसर अपना केस किस तरह से सॉल्व करती है, यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्प्लीट वेब सीरीज में। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं G5 पर, और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 7.4 की। नंबर टू, मर्डर बाय द सी। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट सीरीज शुरू होती है कुछ लोग हॉलीडे मनाने के लिए बीच पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही एक बिजनेसमैन का अचानक से ही मर्डर हो जाता है, और कंप्लीट सीरीज में इसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं होई चोई पर, और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 6.5 की। नंबर तीन, सुडल द वर्टेक्स। वेब सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज की कॉन्सेप्ट शुरू होती है एक सिंपल मर्डर केस से, लेकिन इस सिंपल मर्डर केस बाद में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बन जाती है। इवन इस सीरीज की सबसे बड़ी बात इसके एंडिंग में है, क्योंकि एंडिंग में कुछ ऐसी चीजें रिवील होगी जो कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सीरीज की स्टोरी आपको वन ऑफ द बेस्ट लगने वाली है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो पर, और इसे IMDB रेटिंग देती है 10 में से 8.2 की। साल 1990 में जब ये फैक्ट्री शुरू हुई थी, उस दिन भी एक लड़की गायब हुई। अब जब ये फैक्ट्री जली है, एक और लड़की गायब है। मैंने कोल्ले के तो आराम से